नवरात्रि स्पेशल में आज आपको विशेष रात्रि हवन के बारे में बताते हैं। नवरात्रि में माँ की विशेष आराधना की जाती है। माँ बमलेश्वरी धाम में विगत कई वर्षों से सीताराम पार्क स्थित संस्कृत महाविद्यालय एवं छात्रावास के आचार्य पंडित सत्येंद्र जी, जो विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, और आचार्य जी के द्वारा चारों नवरात्रि में विशेष हवन किया जाता है और यह हवन नवरात्रि तक अखंड चलता है। आचार्य जी से विशेष हमारे संवाददाता विष्णु मोदी की खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि हवन का विधान और संस्कृति क्या है, जगत कल्याण के लिए यह कार्य करते हैं। एनटीवी टाइम न्यूज के लिए इंदौर से विष्णु मोदी की रिपोर्ट। आज हम लवरेश्वरी धाम निजासन मार्ग पर स्थित है और मां कालका के दरबार में, जो कि चारों नवरात्रि में हवन श्री सत्येंद्र जी आचार्य जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि इस विशेष हवन में ऐसी क्या बात होती है जिसके लिए भक्तजन आपके सानिध्य में आकर विशेष रूप से इस हवन का लाभ लेते हैं और अपनी सर्व मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए हम जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, आज हम आपसे विशेष रूप से जो नवरात्रि में आप चारों नवरात्रि में हवन करते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। एनटीवी के माध्यम से पूरा देश जाने, यही हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हम हवन चारों नवरात्रि में कराते हैं, चारों नवरात्रि में यहाँ नहीं कराते, हमारे आश्रम पे भी कराते हैं। कोरोना काल में हमने अपने आश्रम पे भी कराया। हम जन कल्याण के लिए कराते हैं और अब विशेषकर तो ये अगर तीसरी लहर आए अपने मध्य प्रदेश में, नहीं हिंदुस्तान में, देश विदेश में कहीं नहीं आए, इसी माध्यम से कराते हैं। और आप जिज्ञासा रखो तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मंगला मूर्ति आराधना 25 सालों से कर रहे हैं। ये इस मंदिर के पुजारी मैन जो है कार्यकर्ता है, जो मुन्ना गुरु हैं, और ये जगत भगत यहाँ सेवा करते हैं। विगत हम 20-25 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम यही करते हैं, कभी कभी हम आश्रम में भी कर लेते हैं। इस बार आश्रम में इसलिए नहीं किया कि पानी मौसम खराब था, मुन्ना गुरु ने कहा कि यहाँ टेंट लगवा देंगे, तो हम यहाँ कर रहे हैं। हम जन कल्याण के लिए करते हैं। गुरु महाराज, जन कल्याण के लिए आप और कि आप विद्यालय भी संचालित करते हैं, वहाँ के मुख्याचार्य, तो वहाँ की रूपरेखा किस प्रकार से बताएंगे? हमारा सीताराम पार्क कॉलोनी में सीताराम संस्कृत विद्यालय है। हमारा नाम है सीताराम सरकार पंडित सत्येंद्र आचार्य। हम ब्राह्मण बच्चों को वेद अध्ययन, व्याकरण, ज्योतिष पढ़ाते हैं और उनको निःशुल्क रहना, खाना, कपड़ा, पुस्तक फ्री देते हैं। भगवती हमको यह करता है, भगवती का ऐसे काम कराते हैं। आप लोग इंडिया से बनते बहुत आते हैं। सुबह बच्चे उठते हैं, सुबह प्रातः है, संध्या वंदन करते हैं, उसके बाद वेद पाठ करते हैं, भोजन करते हैं, 12 से 4 पढ़ाई होती है। कहीं कार्यक्रम आ जाता है तो कार्यक्रम में भी अपने उधर की पूर्ति अपने माता पिता को भरण पोषण के लिए कमाते हैं। आचार्य जी, एक चीज बताइए कि ये जो विशेष हवन कर रहे हैं उसके माध्यम से आप देश और भक्तों को और इस भारत देश के नागरिकों को कैसे आचार्य, तो वहाँ की रूपरेखा किस प्रकार से बताएंगे? हमारा सीताराम पार्क कॉलोनी में सीताराम संस्कृत विद्यालय है। हमारा नाम है सीताराम सरकार पंडित सत्येंद्र आचार्य। हम ब्राह्मण बच्चों को वेद अध्ययन, व्याकरण, ज्योतिष पढ़ाते हैं और उनको निःशुल्क रहना, खाना, कपड़ा, पुस्तक फ्री देते हैं। भगवती हमको यह करता है, भगवती का ऐसे काम कराती है। आप लोग इंडिया से बनते बहुत आते हैं। सुबह बच्चे उठते हैं, सुबह प्रातः है, संध्या वंदन करते हैं, उसके बाद वेद पाठ करते हैं, भोजन करते हैं, 12 से 4 पढ़ाई होती है। कहीं कार्यक्रम आ जाता है तो कार्यक्रम में भी अपने उधर की पूर्ति अपने माता पिता को भरण पोषण के लिए कमाते हैं। आचार्य जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो विशेष हवन कर रहे हैं उसके माध्यम से आप देश और भक्तों को और इस भारत देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, पहले तो अपना सनातन धर्म जीवित रहे, कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी आ जाए तो भी हवन पूजन तो बंद नहीं हो, यही हमारी प्रेरणा है और कुछ प्रेरणा नहीं। कि इतना से बड़ा भी बीमारी आए तो धर्म और मंदिर, हवन पूजन बंद नहीं हुए, दर्शनार्थी बंद हो जाए लेकिन मंदिर बंद नहीं हुए। आचार्य जी, अपना पूरा नाम बता दीजिए। मम नाम सत्येंद्र आचार्य अस्ति। ये थे इंदौर से सत्येंद्र आचार्य जी, जिन्होंने हमें
नवरात्रि के विशेष पर्व के बारे में बताया। एनटीवी टाइम्स के लिए इंदौर से विष्णु मोदी, इंदौर। बस बस हो गया।